हो आप? जी पप्पो, मैं आपकी प्यारी भतीजी माँ आपसे मिलने आई हूँ। जुनेद हटाओ, हटो, बहुत शरारती हो गए, हर वक्त शरारत करते रहते हो। आज तो तुम वक्त से पहले घर आ गए हो। आप ही ने तो कहा था कि मामू के घर जाना है, तो मैं आ गया। कहती तो मैं बहुत कुछ हूँ कि मुझे शॉपिंग पर जाना है, सौदा सेल्फ लाना है, रिश्तेदारों से मिलने जाता है, उस वक्त तो तुम हजार बहाने बना देते हो कि ऑफिस में बहुत काम है, नहीं आ सकता। और जब अशरफ भाई के घर जाना होता है तब तो तुम वक्त से पहले घर आ जाते हो। चल क्या रहा है बताओ? रोज रोज आपको मना नहीं कर सकता, इकलौती माँ है मेरी, आपकी हर ख्वाहिश मेरी आंखों पर। मेरी ख्वाहिश? ये तुम्हारी कोई अपनी जाती दिलचस्पी छुपी हुई है। बताओ बताओ क्या बात है? शक कर रही अपने मेरे पर? शक नहीं करना, तैयार हूँ, कपड़े शो कराता, ऐसी बात नहीं करते। शक नहीं, यकीन है मुझे, तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे दिल के हाल को अच्छी तरह से जानती हूँ। अति, आपकी न्यू पेंटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। थैंक यू। जल्दी खत्म कर लें प्लीज। फिलहाल तो मुझे ये देखना है कि ये वाली पेंटिंग कहाँ अच्छी लगेगी। इमाम, यहाँ पर कैसी लगेगी? मुझे लग रहा है ये स्पेस के लिए बहुत बड़ी है। अच्छा, ये लगा के देखूं? आ जाओ। ये कैसा लग रहा है यहाँ? परफेक्ट लग रहा है कि इसी जगह के लिए बनी हुई थी। अब तुम आओ मुझे बताओ कि मैं यहाँ लगाऊं या यहाँ। बनाने के अलावा कोई काम नहीं है? नहीं, और कोई काम नहीं है हमें, कुछ आता ही नहीं लगता। इमाम जी, अब्बू जी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। नूर, ये क्या? अब्बू जी, अब्बू जी आई। अरे बेटा, बाजार जाना हो गया तो तुम लोगों के लिए नहीं, देखो देखो क्या है, खुद ही देखो। वाओ, ये मैं रख लेती हूँ। नूर, तुम ये देखो। खूबसूरत, दिखाना हो वाली? देखो तो सही, ये बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, मैं यही वाली रखूंगी। नूर, मैं ये पहले पसंद कर चुकी हूँ। तो तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? अगर इमाम को ये वाली पसंद है तो तुम उनसे दे दो ना। अतिया खाला प्लीज, ये हम बहनों का मामला है, आप इस घर में मेहमान हैं, मेहमान बनके रहो।